नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चकोतरा का उपयोग, उसके फायदे और चकोतरा की खेती कहाँ की जाती है। चकोतरा एक ऐसा फल है जो नींबू वंश का है, एक ऐसा फल है जिसका कि स्वाद खट्टा मीठा होता है, जो संतरे से थोड़ा बड़ा आकार का होता है और हम इसे संतरे जैसा दिखने वाला फल ही कह सकते हैं। संतरा चकोतरा संतरा नींबू प्रजाति का फल है। जब ये फल कच्चा होता है तो इसके छिलके का रंग हरा होता है और जब ये पूरी तरह से पक जाता है तो इसका रंग पीला या हल्का नारंगी हो जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भारत में इसकी खेती कहाँ कहाँ होती है। वैसे तो इसकी खेती उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र की जन्मी हुई जाति है ये, लेकिन भारत में इसकी खेती कई स्थानों पर होती है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जो गर्म क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादातर इसकी खेती होती है, लेकिन झारखंड ऐसा राज्य है जहाँ पर ये बहुतायत में पाया जाता है। वैसे तो आपने इसको कई लोगों के घरों में भी लगा हुआ देखा होगा, बड़े बड़े इसके जो फल हैं वो आपने लोगों के घरों में भी लोगों ने लगाए हुए हैं और घरों में भी लटकते हुए आपको देखे जा सकते हैं। चकोतरा में बहुत तरह के खनिज लवण पाए जाते हैं। चकोतरा में पोटेशियम पाया जाता है, जिंक फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम, सेलेनियम, विटामिन सी, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटाथेनिक एसिड, विटामिन B6, फोलेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, शुगर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, इतने सारे खनिज लवणों का भंडार है चकोतरा नामक फल। अब मैं आपको इसके स्वास्थ्यवर्धक फायदे के बारे में बताऊंगी कि जो इतने तत्वों का मालिक है उसमें कितने अनेकों अनेक फायदे होते हैं। चकोतरा सबसे ज़्यादा आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने और गठिया जैसे रोगों को दूर करने में मदद करता है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है, बल्कि आँखों को स्वस्थ भी बनाता है। चकोतरा आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी सभी समस्याओं जैसे दिल की समस्याओं आदि के खतरे को भी कम करने में आपकी मदद कर सकता है। बालों को मजबूत बनाता है और उनकी खूबसूरती बढ़ाने में चकोतरा बहुत ज़्यादा उपयोगी है। रोज़ाना चकोतरा के जूस का सेवन करने से आपको थकान नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी, अपच जैसी समस्याओं से बचाने में ये बहुत ही मददगार होता है। तो ऐसे फल, इतने बहुमूल्य और बहुपयोगी फल का आप सेवन करें और अनेकों अनेक बीमारियों से दूर रहें। दोस्तों, इस जानकारी को आप अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि सभी लोग इसका फ़ायदा ले सकें, इसके बारे में जान सकें और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाकर हमारे देश को आगे बढ़ाने में सफल हो सकें।